मैं आपका दोस्त लेखक और अनुवादक घनश्याम साहू कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जौनपुर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पार्ट टू में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पार्ट टू में हमने एक नए पैटर्न को आपके सामने लाए हैं, जिस पैटर्न की शुरुआत होती है इधर या आइदर, एनीबन एनी, नीदर या नाइदर, नन ईच एवरीवन, इनके बाद ऑफ, आर्टिकल द, दीज दोज या फिर पजेसिव एडजेक्टिव माय योर हिज जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद भी आता है पी सी एन मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चूंकि हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, जैसा कि आप जानते हैं किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब सिंगुलर फॉर्म की होती है, प्लूरल फॉर्म की नहीं। अब कुछ हम ये देखेंगे कि इधर से लेकर एवरीवन तक ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग, इनका यूज कहाँ होना चाहिए। यदि आप दो व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में से कोई एक की बात करते हैं तो वहाँ आप इधर या आइदर का प्रयोग करेंगे, अर्थात दो में से कोई एक। और संख्या जब बढ़ा देते हैं कि दो से अधिक में से एक, दो के लिए नहीं, तब ऐसी स्थिति में आप एनीवन या एनी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जब आप नेगेटिव सेंस की बात करते हैं और आप कहते हैं कि दो में से कोई नहीं, अंग्रेजी में आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। और आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं कि दो से अधिक में से कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप नाइदर नहीं बल्कि नन का प्रयोग करेंगे। ईच और एवरीवन के बारे में बताया जाता है, आप ये कहना चाहते हैं दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, तो इसमें ईच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एवरीवन के बारे में ये बदला जाता है, ये दो के लिए नहीं होता है, ये दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए होता है। तो इस आधार पर और इस पैटर्न को आधार मानते हुए आप वर्ब देखेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म की होगी। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी प्रीवियस सेल्स में आए हुए हैं, और ये बेसिस पर ध्यान रखना कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं। इन इस पैटर्न पर एक प्रश्न 100% आता है और एक नंबर आपका इसमें से पक्का हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं, ईदर ऑफ द गर्ल्स, तो जैसा पैटर्न कहता है ईदर, उसके बाद ऑफ, यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है मैं से, इसका अर्थ का के की नहीं होता। ईदर ऑफ द के बाद पी सी एन, अब आप यहाँ देखिएगा पैटर्न में ईदर ऑफ द और ये गर्ल्स पी सी एन, यहाँ तक का हिस्सा एकदम सही है। आगे ऑप्शन सी में जाएंगे तो लिखा हुआ है आर इंटेलिजेंट, लेकिन इस पैटर्न के अनुसार वर्ब का प्रयोग होना चाहिए सिंगुलर, इसीलिए आप आर के स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे। ईदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, इसका अर्थ हुआ कि दो लड़कियों में से कोई एक होशियार है। उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, नीदर ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू यू, शुरुआत करते हैं हम पैटर्न से नीदर, उसके बाद ऑफ, सेंटेंस में भी ऑफ देखा है, दीज का मतलब होता है ए या इन, और दूज का अर्थ है उ या इन, बे या उन। तो नीदर ऑफ दीज बुक्स यहाँ तक का हिस्सा पैटर्न को फॉलो करता है। आगे आप देखेंगे बिलोंग, बिलोंग यानी मेन वर्ब, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी की सभी मेन वर्ब पहले से प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उन्हें यदि सिंगुलर फॉर्म में लाना है तो उनके अंत में एस एस आदि को जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो जैसा कि पैटर्न में लिखा है सिंगुलर वर्ब बिलोंग प्लूरल है, इसमें आप एस लगाकर इसे सिंगुलर फॉर्म में लाएंगे, सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में हो जाएगा नीदर ऑफ दीज बुक्स बिलोंग्स टू यू।
इसका अर्थ हुआ कि इन दो किताबों में से तुम्हारी कोई किताब नहीं है, पोजिशन दिखा रहा है सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे, ये भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में एसएससी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईदर या इधर, नीदर या नाइदर के साथ ऑलरेडी टू संख्या यानी संख्या दो जुड़ी होती है, तो इधर और इधर के साथ आप टू टी डब्ल्यू ओ टू नामक वर्ड प्रयोग करें या ना करें, इधर और इधर से ये क्लियर हो जाता है। तो यहां तक आप देखेंगे नीदर ऑफ दीज, अब यहां पैटर्न में टू तो नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रामर कहती है कि इधर में और इधर में टू पहले से समाहित होता है, तो नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स यहां तक का पोर्शन आप देखेंगे एकदम पैटर्न को फॉलो करता है। आगे आप देखिएगा सपोर्ट, सपोर्ट एक मेन वर्ब है और आप जैसा कि जान चुके हैं कि अंग्रेजी की सभी मेन वर्ब पहले से सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, यदि उनको सिंगुलर फॉर्म में लाना है तो उनके अंत में एक निश्चित नियम के अनुसार एस ई एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती हैं। तो जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से आपको सपोर्ट को एस लगाकर सपोर्ट्स सिंगुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, इस सेंटेंस को आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर्स एसएससी में मिल जाएगा। दोस्तों सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पर मैंने स्टडी की, खासतौर से एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और ये डिपेंड करता है अलग अलग पैटर्न पर। आप जितने पैटर्न को समझेंगे उसके आधार पर आप इसको सीख पाएंगे। आप दोस्तों ऐसे वीडियोस को आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक अपने दोस्त देख सकें। धन्यवाद।